गाइज आप लोग बहुत ही बढ़िया होंगे। तो गाइज हमेशा मैं आरसी को रिसीव करके लाता हूँ, आप लोगों को व्लॉग में दिखाता हूँ। आप भी बोर हो गए होंगे गाइज कि डेली रिसीव करके लाओ। तो फाइनली मैंने आरसी को लेकर मैं आ गया। देखो आप साइडों में दिख रही होगी आपको शायद। तो अभी जस्ट मैं आरसी को लेके आया इधर। ये मुझे जिद कर रही थी कि मुझे आपकी बाइक चलानी है, इससे तो बाइक चलेगी नहीं। तो जस्ट मैं इसको लेके आया इसकी सेटिस्फेक्शन के लिए। और गाइज मैं आपसे एक बात बताऊँ, मुझे इसको एक सरप्राइज देनी है, देखते हैं कि इसको कैसा लगता है। तो गाइज अभी आरसी मेरे साथ ही है पीछे, तो जस्ट रुकते हैं आगे, देन इसको सरप्राइज देते हैं, बाकी इसकी खुशी देखते हैं कितनी है। क्योंकि गाइज आपने लास्ट ब्लॉग में देखा होगा कि आरसी ने हमें एक की रिंग दिया था, तो मुझे भी बहुत बुरा लगा कि मैं इसको कुछ भी नहीं दिया हूँ आज तक। तो फाइनली गाइज आज हम आरसी को एक क्या बताऊँ, मतलब आरसी को एक चीज गिफ्ट करने वाले हैं। और ये देखो पतंग गाइज, मकर संक्रांति के दिन ये शूट कर रहे हैं, भले ही आपको लेट से सारी ब्लॉग देखने को मिले वो अलग बात है। तो आगे रुकते हैं किसी अच्छे जगह पे, मतलब अच्छे क्या मतलब जहाँ पे खुला जगह हो। तो रुकते हैं, देन आरसी को गिफ्ट करके देखते हैं कि इसको कैसा लगता है। और ये भाई साहब को देखो गाइज, ये बहुत ही खुला सा रोड है। अगर आप लोगों को यहाँ पे बाइक वाइक सीखनी है आप इजीली सीख सकते हो। और मैं ये क्यों बोल रहा हूँ कि आप लोगों को, आप तो यहाँ पे थोड़े ना सीखने आ रहे हो, बट हाँ गाइज जब भी आप बाइक वाइक सीखने के लिए या फिर स्कूटी किसी को भी कुछ सीखना हो तो बिल्कुल ही खाली रोड पे ट्राई करो, इजीली आप सीख जाओगे। देखे कि उस दिन आरसी कैसे सीख गई। आरसी ये तो सुन ही नहीं रही, यहाँ रुके या फिर तुमको और घुमा दे इधर, यहाँ पे तो वैसे घूमने वाली कोई चीज है नहीं। क्या करूँ, ये रुक जाऊँ क्या? ओके बेस। अरे यार लो रुक गया। अब बताओ तुम क्या बोल रही थी, बाइक सीखना है। अरे तुमको ये देख रही हो कितनी पतली हो, तो क्या हुआ, स्कूटी सिखा दिया, बाइक सिखाओ। और ये क्या लगा के रखी हो, बोल अभी हूँ क्या करी, बोल। ये यहाँ पे क्यों लगा के रखे लोल क्या क्या स्कूटी चलाने में तो गिर गई थी, बाइक क्या चलाओगी? अरे गिर जाओगे। अच्छा बैठ के दिखाओ मुझे, बैठ के तो दिखा दो बाइक चलाओगी, इसे अपने पैरों पे खड़ा करो, अगर कर ली तो पक्का सिखा देंगे। चलो करके दिखाओ। हाँ तो फिर चलाओगी कैसे? हाँ पीछे बैठ जाएंगे तो कैसे चला लोगे, रुकना तो तुम्हें पड़ेगा ना, क्योंकि इसे पीछे का पिलियन सिर देखो कितना हाइट पे है, मेरा भी पैर नहीं आएगा नीचे। हाँ क्या कर लेंगे, नहीं हो पाएगा तुमसे यार, अरे बहुत ज़्यादा हाइट है ना पीछे की। अरे कैसे इसको समझाऊं गाइस, आप लोग ही बताओ यार, मतलब ये बाइक कैसे चला पाएगी यार, इसको नहीं चलाया जाएगा, इसको भी स्कूटी ढंग से चलाने नहीं आती, बाइक क्या चलाएगी, और ऊपर से स्पोर्ट्स बाइक है। तो क्या उनके सामने घूम के आओ, हेलो रुक ही नहीं रहा ये क्या कर रही हो, अरे अपनी केयरिंग ले रही हो क्या, ले लो। तो मैं क्या ही बताऊं तुम्हें यार, मतलब क्यों इतना जीत कर रही हो, चला लो फिर खुद से ही चला लो अकेले मैं मना थोड़े ना किया हूँ। हाँ तो अब चला लो चलेगी नहीं, मैं तो पहले ही मना कर रहा हूँ ना कि ये बाइक है स्कूटी नहीं है जो तुम चला लोगी। अरे यार इतने कुत्ते आ कहाँ से रहे हैं, तुम्हारे घर साइड से आ रहे हैं ये सारे छोरो मैं क्या ही बताऊं, वैसे बाइक तो मैं नहीं सिखा पाऊंगा क्योंकि यार ये थोड़ा टफ काम है, क्योंकि देखो यार मैं ये पिलियन सीट देखो कितना हाइट पे है, अगर मैं यहाँ पे बैठूंगा तो बताओ मेरा भी पैर देखो नहीं आ रहा है, दोनों साइड नहीं आएगा, एक साइड आएगा तो फिर एक साइड से तुम गिर ही जाओगे। हाँ ड्यूक चला लेना ड्यूक आएगा, अगर भगवान कहीं से भेज दे तो आ जाएगा, फिर चला लेना। ये तो नहीं चल पाएगी। हाँ कोई नहीं सिखा देंगे, लेकिन ये इससे पॉसिबल नहीं है यार, इससे चलाना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि देखो ये एक फेडिंग वाली बाइक होती है, वो बहुत हैवी होती है। खैर छोरो खैर कोई बात नहीं, क्या हो गया, मूड खराब कर दिया, क्या मूड खराब कर दिए वो यार, चलो अपनी आंखें बंद करना एक बार, आंखें बंद करके कौन गाड़ी चलाता है एक बार आंखें बंद तो करो।
दिस इज फॉर यू। अरे ये खुला ही है वॉच। हाँ तो खोल कर ही देखोगी ना। हाँ जी ये देखो अभी इसका ये भी नहीं हटा है, इसको भी रिमूव करने दो। इसलिए मैं नहीं हटाया था कि ताकि तुम इसको ये ना बोलो कि पुरानी वॉच दे दी। सच में लेकिन ये लड़कों वाली है, लड़कों वाले लड़कों वाले। अरे ये मेरे पास पहले से था तो मैंने सोचा कि इसका सही यूज कर लेते हैं, तुमको दे देते हैं। हाँ हाँ देखो मैं इसको रिमूव करता हूँ। लो अरे हो जाए यार। नहीं मैं कर दे रहा हूँ। पहना भी दो ना इसको, हटा दिए तो। कैसे पहनाऊँ मैं? हाथ आगे करो। किस हाथ में पहनते हैं? उल्टा हो रहा है। उल्टा क्या हो रहा है? इसको ऐसे करना है। अच्छा एक मिनट, ये तो तुम में थोड़ा बड़ा हो रहा है साइज में। ये कैसे लगता है यार? ये अच्छा तो लग रहा है, थोड़ा बड़ा हो रहा है। इसको थोड़ा कट कराना पड़ेगा, इसको हो जाएगा। नो थैंक यू, मैं बोलता हूँ हमेशा थैंक यू नहीं। तो तुमने भी मुझे केयरिंग दिया था, मैं सोचा एहसान तुम्हारी उतार दो। अरे नहीं नहीं यार, नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं, मतलब मुझे अच्छा लगा तो मैंने दे दिया। बाइक नहीं चलाओगे तो क्या खुश तो हो ना? मेरे गाइस दिमाग में कुछ प्लान चल रहा है, मैं साइड में आके आप लोगों से बात कर रहा हूँ। मेरे दिमाग में कुछ प्लान चल रहा है, मतलब वो ये चल रहा है कि आरसी को मैं प्रपोज करूं अगर आप लोग बोलोगे तो। तो गाइज अगर आप लोग इस वीडियो के नीचे कमेंट करते हो, ज़्यादा कमेंट्स आते हैं तो मैं कोशिश करूंगा नेक्स्ट में कर दूं प्रपोज। तो बताओ जैसा होता है। गाइज इस ब्लॉग को एंड करते हैं। आरसी मैंने ऑडियंस से एक शर्त रखा है, कुछ भी मतलब एक शर्त रखा है कि ऑडियंस अगर ज़्यादा कमेंट्स करेंगी तो वो काम मैं करूँगा। बाकी कमेंट्स तो तुम भी पढ़ती हो, हाँ तो फिर देख लेना। खे चले फिर ठीक है, अभी ब्लॉग को एंड करते हैं गाइस। एंड अभी हम लोग यहाँ से निकलते हैं, इसको हमने सरप्राइज देना था जो कि हमने दे दी। गाइस देखो हम लोग आगे भी जा सकते थे इधर उधर, लेकिन उधर जाना मुझे ठीक नहीं लगा, अभी मेरा मूड थोड़ा ऑफ चल रहा था गाइस। तो अभी आप लोगों का सपोर्ट बहुत ही अच्छा खासा मिल रहा है, तो इसके लिए दिल से लव यू गाइस। टेक केयर, बाय बाय।